अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजूम, आज के इस वीडियो में हम उर्दू पैडागॉजी करेंगे सीटेट के, जिसमें आमोजिश, ये जो एक चैप्टर है आपका ज़बान की आमोजिश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग, इसके कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से पूछे गए हैं पेपर में, प्रीवियस पेपर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी 2024 का ही क्वेश्चन है शायद, कि बैन निशानी शनाख्त क्या है, यानी कि इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन ये क्या होता है। तो जहाँ बच्चा ये देखता है कि उसकी अपनी जो जबान है और प्लस जो वो हदफ जबान यूज कराए, तो उसमें कुछ चीजें जो कॉमन आती है वो, तो उसे कहते हैं बैन लिसानी शनाख्त यानी कि इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन देखते हैं, आमोजगार का फैसला के मुकामी जबान यानी कि क्या, बच्चे की मुकामी जबान यानी कि उसकी हदफ, सॉरी हदफ नहीं, मुकामी जबान यानी कि उसकी मादरी जबान, बच्चे की मादरी जबान और हदफ जबान यानी कि टारगेट लैंग्वेज में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती है, यही उसका आंसर है जो अभी हमने देखे। तो आंसर हमें डायरेक्ट मिल गया, ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं हम दूसरे। आमोजगार का फैसला के मुकामी जबान और हदफ जबान में कुछ चीज़ें मुश्तरक नहीं होती, तो ये रॉन्ग हो गया, नहीं वहाँ से कैंसिल होना चाहिए, तो नहीं है इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आमोजगार का फैसला कि मुकामी जबान का इल्म दूसरी जबान की आमोजिश में मुनहिल होता है यानी कि बाधा डालता है, रुकावट डालता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, एब्स्ट्रैकल क्रिएट करता है, तो ये रॉन्ग हो गया। एंड नेक्स्ट है, आमोजगार की समझ कि मुख्तलिफ जबानें सीखने के लिए मुख्तलिफ सलाहियतें दरकार होती हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बैन निशानी शनाख्त का मतलब होता है कि आमोजगार को लगता है या आमोजगार जो अंडरस्टैंडिंग ये रखता है अपने माइंड के अंदर कि वो उसकी जो मादरी जबान है और वो जो हदफ जबान की तरफ जाता है उसमें कुछ चीज़ें ना मुश्तरका होती है, कॉमन होती है, तो ये उसका आंसर था। नेक्स्ट है, दावा दिया गया है। अब दावा क्या है कि एक बच्चा अदायली, ये अदायली है, अदायली उम्र में इस्म से ज़्यादा फेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। तो अदायल का मतलब होता है, अदायली ज़िंदगी का मतलब है असासी दौर, और असासी दौर यानी के 2 to 6 ईयर की एज, और इसे कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, इस्म से ज़्यादा फेल का इस्तेमाल करते हैं यानी कि नाउन से ज़्यादा क्या है, वो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो कवायद के उसूलों को भी वो क्या करते हैं, यहाँ पे नज़रअंदाज करते हैं, तो ये बात सही है। दलील है कि उनके अल्फाज के ज़खीरे में कमी होती है, तो ये भी बात सही है कि उनके ज़खीरे अल्फाज में क्या होती है, कमी होती है, तो ये भी राइट है। तो अलीफ़ और बे दोनों ही यहाँ पे राइट है, और जो बे है वो सही तौर पे अलीफ को उसके दावे को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी तौजीह कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है, तो अलीफ और बे दोनों ही सही है, और जो बे है वो अलीफ की सही तौर से क्या कर रहा है, तौजीह कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान सीखने के हवाले से दर्जे ज़ैल में से कौन दुरुस्त है, जबान सीखने से मुतालिक इनमें से कौन सी बात है जो सही है। पहली है कि बच्चे जबान सीखने की पैदायशी सलाहियत नहीं रखते हैं, तो ये चीज़ गलत है, बच्चे पैदायशी सलाहियत रखता है, ये गलत हो गया। बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे अपने घर और ख़ानदान से ही जबान सीखने की शुरुआत कर लेते हैं, घर से, ख़ानदान से, माहौल से, हर बच्चे में जबान सीखने की पैदायशी सलाहियत होती है, ये बिल्कुल राइट है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो चॉम्स्की ने बताए थे कि हर एक इंसान में लैंग्वेज सीखने की पैदायशी इनेट एबिलिटी होती है, पैदायशी इस्तेदाद या उसकी सलाहियत होती है, आपको सलाहियत के बदले इस्तेदाद भी लिखकर आता है, तो ये राइट हो गया। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, ये रॉन्ग हो गया। और बच्चे, ये एक जो था कि बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं, तो ये इसलिए रॉन्ग किया हमने क्योंकि बच्चा अपने घर और ख़ानदान से ही जबान सीखता है और फितरी अंदाज से सीखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्तसाब, एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि जबान की आमोजिश के बारे में दर्ज ज़ैल में से कौन दुरुस्त नहीं है, इनमें से कौन सी बात दुरुस्त नहीं होंगी जबान के हवाले से। पहला है कि जबान की महारतें एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकिल की जा सकती है, तो ये सही बात है, ये राइट हो गया। अगर बच्चे को मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो वो कई जबानें सीखने की सलाहियत रखता है, ये भी राइट हो गया। दूसरा है, तीसरा है कि मादरी जबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में हारी जो होती है यानी कि रुकावट डालती है उसमें उसके बीच में आती है या रुकावट डालती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये होगा हमारा आंसर। और मादरी जबान दूसरी जबान या गैर मुल्की जबान सीखने में माविन होती है, तो सही है कि अगर आप उर्दू जानते हैं, अरबिक सीख रहे हैं, संस्कृत और हिंदी और मराठी को ले लो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपस में एक दूसरे के माविन होते हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, जब बच्चा किसी जबान को दूसरी या तीसरी जबान के तौर पे सीखता है तो उसे समझा जाता है, तो उसे क्या समझा जाता है, तो जाहिर बात है कि बच्चा जब किसी जबान को मदर टंग के अलावा कोई दूसरी जबान या तीसरी जबान के तौर पे सीखता है तो वो क्या होती है, उसके जबान की आमोजिश होती है, तो उसे जबान की आमोजिश कहा जाता है। पहला है जबान का हुसूल नहीं, हुसूल यानी कि इक्तिसाब, तो ये तो नहीं क्योंकि ये मादरी जबान का होता है एक्विजिशन, एक्विजिशन उसके मादरी जबान का होता है। जबान की तजरीद यानी के एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज भी नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज भी नहीं है, जहाँ पे नॉन वर्बल या गेस्चर एक्सप्रेशन वगैरह के लिए यूज़ होते तो वो भी नहीं है। और ज़बान का नमू यानी के डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भी नहीं है, ये ज़बान की आमोजिश यानी के लैंग्वेज लर्निंग है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, कि जब बच्चा क्या करता है कि बच्चे किसी भी जबान को वो दूसरी या तीसरी जबान के तौर पे अगर सीख रहा है तो वो उसकी मादरी जबान नहीं है, है ना, तो फिर वो क्या, या मादरी जबान को भी एज अ सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है तो वो भी उसकी फिर क्या हो जाएंगी, आमोजिश में चला जाएगा, जबान की आमोजिश उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, दर्जे ज़ैल में से कौन क्लास रूम में जबान के आमोजगार के लिए माकज नहीं है यानी के सोर्स नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ बच्चे के लिए, कौन सी चीज़ सोर्स का काम नहीं करेंगी, तो फर्स्ट है क्लासरूम की लाइब्रेरी, ये तो ज़रूरी है तो ये बच्चे के लिए एक सोर्स है, ये है क्लासरूम के काम नहीं, काम नहीं, तो ये आंसर हो गया हमारा। दीवार में लिखे गए अल्फाज सोर्स है, रीडिंग कॉर्नर भी बच्चे के लिए सोर्स रहेंगे, तो आंसर क्या है, क्लासरूम के काम ये बच्चे के लिए क्या है कि जबान के आमोजगार के लिए कोई एक माखज यानी के माखज यानी कि क्या, एक सोर्स, रिसोर्स का काम या सोर्स का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, दावा है कि ज़बान के उस्ताद को इंफरादी आमोजिश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए, कि ज़बान के उस्ताद ने, अगर कोई ज़बान के उस्ताद है तो उन्होंने क्या करना है, बच्चे की इंफरादी आमोजिश के लिए कोई मंसूबा बनाना है, तो ठीक है ये बात है, लेकिन इंफरादी बोल रहे हैं ना, ठीक है, अगर किसी बच्चे को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है ना तो उसके लिए टीचर अगर बना रहे तो सही है। दलील है कि नई जबान की आमोजिश में आमोजगारों में तनु होता है, ये भी सही है कि बच्चे में क्या होता है कि कोई नई जबान को अगर बच्चे सीख रहे हैं तो आमोजगारों के बीच में तनु पाए जाएंगे, कोई जल्दी सीखेगा कोई लेट सीखेगा, किसी को बहुत इंटरेस्ट आएगा वो जबान में तो कोई थोड़ा पीछे होगा या बोलने से डरेंगे, तनु यानी कि क्या, डाइवर्सिटी पाई जाएंगी, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ना आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करती है ना, तो इसलिए अलीफ और बे राइट है लेकिन जो बे है उसको सही तरह से वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो अलीफ और बे दोनों ही सही है और लेकिन बे उसकी तौजीह नहीं करता है। नेक्स्ट है, दावा है कि स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक जबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है,
ये बात सही है। दलील है कि लिसानी व सकाफती तनु के बास वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते। नहीं, ये चीज़ गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर लिसानी और सकाफती तनु पाया जा रहा है, लैंग्वेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट अगर सबकी जो अलग अलग है, वहाँ अगर डाइवर्सिटी है, तो उसमें तनु होने की वजह से वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये बात गलत है। ये चीज़ गलत हो जाएंगे टोटली कि हर एक बच्चा अगर अलग अलग बैकग्राउंड से भी आता है तो वो अपनी सलाहियतों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है, तो ये गलत हो गया। तो अलीफ राइट है और बे गलत है। इसमें अलीफ सही है और बे बिल्कुल गलत है। बे जो बात है वो पूरी तरह से गलत बोली गई है। तो इतने हमने इतने क्वेश्चंस देखे आज, इसके और कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लेंगे कल, जो इसके आगे के क्वेश्चन और जो पूछे गए होंगे। तो हम ये टॉपिक वाइज ले रहे हैं और सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चल रही है। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा क्रैश कोर्स के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।